पांच राज्यों में से चार राज्यों के नतीजे कल सामने आ चुके हैं। तीन राज्यों में बीजेपी ने परचम लहराया है, एक में कांग्रेस जीती है और आज पांचवें राज्य का नंबर है मिजोरम, जहां पर सुबह से जो मतगणना है उसका काम चल रहा है। अब वोटों की गिनती तो चल रही है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पीछे चल रही है, अभी का ताजा रुझान क्या है, ये लगातार इंडिया न्यूज आप तक अपडेट पहुंचाएगा। शुरुआत करेंगे मिजोरम में वोटों की गिनती के साथ, जहां पर ZPM 21 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि MNF 8 सीट पर आगे है। MNF, ZPM, कांग्रेस और बीजेपी सभी के बीच में मुकाबला कड़ा चल रहा है। मतगणना को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, जो कि जरूरी भी है। सभी 40 सीटों पर आज नतीजे सामने आ जाएंगे। ये मालूम हो जाएगा कि मिजोरम की जनता ने आखिर कौन सी पार्टी पर भरोसा दिखाया है। हालांकि एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टियों पर भरोसा मिजोरम की जनता का बरकरार है और क्षेत्रीय पार्टियां ही आगे चल रही हैं। ऐसे में अभी जो शुरुआती रुझान है, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं, अब धीरे धीरे एक एक करके ईवीएम मशीन खुलना शुरू हो जाएगी, ऐसे में अगले कुछ घंटे निर्णायक तरीके से सामने आने वाले हैं और ये मालूम हो जाएगा कि कौन सी पार्टी को आगे बढ़ाने का निर्णय मिजोरम की जनता ने किया है। मिजोरम में जहां पर वोटों की गिनती जारी है, कांटे का मुकाबला ZPM और MNF के बीच माना जा रहा है। साथ ही साथ जो रेस है उसमें कांग्रेस और बीजेपी भी है, लेकिन जो रुझान है अभी शुरुआती उसमें कांग्रेस और बीजेपी काफी ज्यादा पीछे हैं। ये कहिए कि क्षेत्रीय पार्टियों पर ही भरोसा बरकरार रखा है मिजोरम की जनता ने। ऐसे में पूजा पाठ का दौर भी चल रहा है और पूजा पाठ के साथ आज दिन की शुरुआत की गई है। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर बाकी नेताओं ने सुबह पूजा पाठ के साथ दिन की शुरुआत की है। MNF और ZPM अभी नंबर्स में आगे बढ़ते हुए मिजोरम में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, चूंकि 40 ही सीटें हैं और बहुत जल्द रिजल्ट हम सबके सामने होगा। ऑलरेडी चार राज्यों के जो नतीजे हैं वो कल सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है तीन राज्यों में और एक में तेलंगाना में कांग्रेस जीती है। और यहाँ मिजोरम में क्या कुछ हालात हैं, क्या अपडेट है, इंडिया न्यूज संवाददाता विजय शर्मा का हम रुख कर लेते हैं। विजय, मिजोरम में कौन सी पार्टी अभी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, किस पर भरोसा जनता ने दिखाया है? विजय तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। विजय शर्मा से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नीचे की पट्टी जो आप देख रहे हैं मिजोरम 40 सीटों पर अब धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो गए हैं, उसमें आप देख रहे होंगे बीजेपी अभी जीरो पर बनी हुई है, कांग्रेस 5 सीटों पर अभी आगे दिख रही है, MNF 12 सीटों पर आगे दिख रही है, ZPM 20 सीटों पर आगे दिख रही है। ऐसे में 40 सीटों के रुझान अब धीरे धीरे करके सामने आने लगेंगे। विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, अभी अपडेट क्या है वोटों की गिनती को लेकर? देखिए, वोटों की गिनती के लगे कहे सुबह 7 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है मिजोरम में। और मिजोरम में देखिए 3 तारीख को वोटों की गिनती होनी थी, लेकिन क्रिश्चियन बस जो राज्य है उसके, क्योंकि रविवार के दिन लोग प्रार्थना करने जाते हैं, इसके वजह से इलेक्शन कमीशन ने 4 तारीख को आज के दिन वोटिंग की गिनती की दिन घोषणा की थी। लेकिन आज अगर रुझान की अगर बातें करें तो मूल कहेंगे तो MNF यानी कि रूलिंग जो पार्टी वहाँ के जिन्हें मिजोरम नेशनल फ्रंट के साथ विजय कुछ प्रॉब्लम है, शायद नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है ठीक से, आपका फ्रेम जो है वो फ्रीज हो गया है, इसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। आप बता रहे हैं कि जो अभी कांटे का मुकाबला, जो कांटे की टक्कर मानी जा रही है वो MNF और ZPM के बीच में मानी जा रही है। विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, आपने क्या बताया, कौन कौन सी पार्टियां हैं जो मुख्य मुकाबले में हैं? मुख्य मुकाबला कहूं तो ZPM और MNF के बीच में है। देखिए, MNF की अगर बात कहूं तो पिछले 15 साल से वो राजकीय जोरांग थांग वहां के मुख्यमंत्री है और एक तरह से विद्रोही संगठन के ताल्लुक रखते थे और 1969 में उन्होंने एक सुक्ति में करके वो मूल सुक्ति में लौट के आए थे। लेकिन अब जो लुंगहाउ जो नाम है, जो पूर्व IPS अफसर है और इंदिरा गांधी के सुरक्षा के गार्ड भी रह चुके हैं, तो इन दोनों के बीच मुख्य लड़ाई एक तरह चल रही है। जैसे कि ZPM देखिए 20 सीटों में अभी आगे चल रही है
आर्मेनियन पीछे है, तो इन दोनों के बीच में मूल तरीके से एक तरह से लड़ाई चल रही है। और अगर जेडपीएम की वहां पे सीटें ज्यादा मिलती है, क्योंकि 21 सीट चाहिए मिजोरम में जीत के हासिल के लिए, 40 सीटों में से 21, और उसके साथ बीजेपी के साथ गठबंधन होकर वहां सरकार बनने की आशंका हो रही है, जैसे कि तीन राज्यों में बीजेपी ने अपना आया है, और मिजोरम के ऊपर खासकर बीजेपी ने नजर डाल के रखा था। अगर जेडपीएम अगर की सबसे ज्यादा अगर सीट वहां से निकलता है, तो जाहिर सी बात है जब गठबंधन की, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे सीटों की जो गिनती निकल के सामने आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मूल जो अभी जो लड़ाई है बीच में, अगर कॉम्पिटिशन की बात कहें तो जेडपीएम और एमएनएफ के बीच में अभी चल रहा है। अच्छा, वो नंबर देख भी रहे हैं विजय, आपने कहा कि जो मुख्य कांटे का मुकाबला है वो एमएनएफ और जेडपीएम के बीच में है। अभी चूंकि शुरुआती रुझान ये सामने आ रहे हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती, फिर धीरे धीरे ईवीएम मशीन का खुलना, तो जो अभी मुख्य मुकाबला है एमएनएफ और जेडपीएम के बीच में, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। एमएनएफ 10 सीटों पर आगे चल रही है, जेडपीएम 22 सीटों पर आगे चल रही है, ये शुरुआती रुझान है। धीरे धीरे तस्वीर और ज्यादा क्लैरिटी के साथ साफ होगी, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें तो जेडपीएम बहुमत पा चुकी है। जी निश्चित तौर पर देखिए, 20 सीटों पे अभी जेडपीएम आगे बढ़ रही है। जैसे मैंने कहा, लुंगहांग जो पूर्व आईपीएस अफसर है और अधिकारी क्या है, और पहले वो इंदिरा गांधी का सुरक्षा गार्ड भी रह चुके हैं, तो लोगों के बीच में उन्होंने जो चुनाव प्रचार उन्होंने किया, जम के चुनाव प्रचार किया, और लोगों के बीच उन्होंने पहुंचकर पूरी तरह से चुनाव प्रचार करके लोगों के घर घर तक जाके उन्होंने अपना वोट मांगा था, और लोगों से भी कहा था जो हम गद्दी पर हमें बैठाइए, हम मिजोरम के लिए और काम करेंगे। लेकिन मिजोरम की मूल समस्या अगर कहूँ तो वहाँ पर शरणार्थियों की सबसे ज़्यादा मूल समस्या है, क्योंकि 60,000 से अधिक हमारी वहाँ पे शरणार्थी है, और मणिपुर में हाल ही जो हिंसा हुई है उनके जो 15-20 हज़ार शरणार्थी मिजोरम में, तो मूल समस्या अगर मिजोरम की कहूँ तो ये शरणार्थी वाली समस्या जब सबसे ज़्यादा है। और इसी मूल समस्या को लेकर जब जेडपीएम ने चुनाव प्रचार भी किया था, लोगों के बीच भी गई थी, तो अभी जो शुरुआती रुझान जो है कहूँ तो जिस तरह से जैसे जैसे समझ बीता जाएगा, क्योंकि 10 सीटों से अभी आगे है, यानी कि 20 सीट जेडपीएम के आगे चल रही है और 10 सीट अभी आगे चल रही है मैं कह दूं एमएनएफ की पार्टी, जो जो रंग था जो तीन बार के मुख्यमंत्री वहां के हैं, उन्होंने एरी चोटी का जोर लगा कर रखा था। और निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस और बीजेपी के वहां पे किसी भी तरह की कोई अभी तक खाता भी अभी तक नहीं खुला हुआ ये बोल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी वहां पे चुनाव जो प्रचार किया था जोर तौर से किया था, और बड़े बड़े नेता अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह वहां पहुंचे थे, योगी वहां पहुंचकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, और मूल समस्या के ऊपर में मिजोरम के ऊपर में उन्होंने बात किया। लेकिन एमएनएफ की तीन बार वहां सरकार बन चुकी है, और क्या अब यह लगता है क्या अब एमएनएफ की सरकार 15 साल के बाद अब उखड़ जाएगी, और क्योंकि जेडपीएम ने अपना जो पलड़ा है पूरी तरह से भारी कर लिया है, और अब देखना यह होगा कि ये पूर्व आईपीएस अफसर लुंगहांग वो अगला मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल पाएंगे नहीं, ये समय ही तय करेगा, क्योंकि लेकिन शुरुआती रुझान कहे तो जेडपीएम अभी सबसे आगे चल रही है। हालांकि अभी ये सिर्फ सुगबुगाहट है, अभी क्या कुछ वक्त के साथ साथ नंबर्स बदलते हैं, कौन बरकरार रहता है बढ़त में, कौन